वेलकम बैक टू माई चैनल। और वीडियो की टाइटल से और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं 1400 का शेक, हाँ जी 1400 का शेक और ऑलमोस्ट 400 रुपए का शेक को कंपेयर करने वाली हूँ। और शेक्स इतने सारे मिलते हैं दिल्ली में, लाइक यू कैन गेट शेक्स फॉर स्टार्टिंग एट रुपीज़ ओनली 50। और आज आई विल बी ट्राइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव शेक आई नो ऑफ इन दिल्ली NCR वर्सेज अ मीडियमली प्राइज्ड शेक। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सो जो फर्स्ट लोकेशन हम जा रहे हैं वो है अन्ना माया, जो लोकेटेड है अंदाज होटल एरो सिटी में। और यहाँ पर सबसे बड़े फ्रीक शेक्स हैं, तो देखते हैं इसकी मेकिंग। और ये अराउंड 1400-1500 के हैं, सो लेट्स सी कि अगर वर्थ इट है या नहीं। और मैं आपको एंड में बताऊंगी कंपेयर करके कि मुझे कहाँ ज़्यादा मज़ा आया। सो वेस्ट नहीं करते टाइम, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो भूलना है ही नहीं। सो लेट्स गेट गोइंग इन द वीडियो। Wow, this looks absolutely beautiful. Guys, ये पूरा शेक शेफ रचिका ने बनाया है एंड लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई फील लाइक आई एम इन अ कैंडी लैंड, दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू सो मच। लाइक बचपन में इतना बड़ा शेक देखा था, दिस टोटली रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्ड हुड। आई हैवन्ट सीन अ फ्रीक शेक लाइक दिस बिफोर। आप लोग भी कॉमेंट्स में बताओ कि आपने इतना बड़ा फ्रीक शेक कभी देखा है या नहीं देखा, क्योंकि यार इतना सुंदर। इसके अंदर ये लेयर्स देखो यार, चॉकलेट ब्राउनी, स्विस रोल, चॉकलेट पेस्ट्री, डोनट, ऊपर से कौन है साथ में लॉलीपॉप है। और मतलब मुझे कैंडी लैंड वाली फीलिंग आ रही है इसमें, कैंडी लैंड। सो मैं बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हूँ, मुँह में पानी आ रहा है। आई कांट लाइक स्टॉप लुकिंग एट दिस प्रिटी शेक। अब ट्राई करते हैं, या बहुत डर लग रहा है गिरविन ना जाए। सो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, दिस इज़ अ थिक क्रीमी शेक, इट इज़ नॉट वाटरी लाइक यू मस्ट हैव सीन मेकिंग में भी काफ़ी थिक है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है, मिल्क है, आइसक्रीम है एंड इट्स क्वाइट चिल। एंड आई रियली लाइक कि इन्होंने जो बैलेंस करने के लिए ऊपर जो डिफरेंट फ्लेवर्स दे रखे हैं, लाइक चॉकलेट है, वनीला है और सब चीज़ें, तो वो बहुत बैलेंस अच्छे से हो रहा है। आई क्वाइट लाइक द शेक। अब इसमें से मैं कुछ ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा इस टावर को तोड़ने का। तो मैं क्या ट्राई करूँ यार, डर लग रहा है काफ़ी। आई थिंक डोनट ही ट्राई कर लेती हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है। डोनट बहुत फ्रेश है, इट टेस्ट रियली गुड एंड आई रियली लाइक कि इसके ऊपर जो इन्होंने नट्स डाल रखे हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इट्स वेरी टेस्टी। सो वैसे खाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो मैंने स्पून मंगवा लिया है। यार आई शुड गो ऑफ शुगर, मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है, बट दिस इज सो टेम्पटिंग। यम, दिस पेस्ट्री इज सो गुड।
अगर मैं शेक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी एक स्वीट ट्रीट होने वाली है, बिकॉज शेक के साथ ऊपर जो इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ पेस्ट्रीज दी हैं, इट्स लवली, इट्स डिलिशियस। 1400 का ये शेक है, मैंने इतना महंगा शेक आज तक नहीं पिया और फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम इस जगह पर आई हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो गाइज अपना महंगा वाला शेक ट्राई करके हम जा रहे हैं अपना सस्ता वाला शेक ट्राई करने, और लोकेशन वहाँ चल के मैं आपको बताऊँगी। और प्लीज़ डोंट वरी, गाड़ी सही डायरेक्शन में चल रही है, मैं उल्टे डायरेक्शन में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो एरो सिटी से ऑलमोस्ट आधे घंटे का सफ़र तय कर हम आ चुके हैं सत्यानिकेतन। हाँ जी, साउथ कैंपस, सब बच्चों की एक ड्रीम होता है साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। और यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको शेक्स मिल जाएंगे, और मैं आई हूँ शेक ईट अप, इनके नाम में ही शेक है। सो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इनका सबसे महंगा शेक जो है 400 का, और देखते हैं उसकी मेकिंग और देखते हैं उसका टेस्ट, और फिर मैं एंड में बताऊँगी कि आपको कि मुझे कंपेयर करके कि मुझे कहाँ ज़्यादा मज़ा आया, या दोनों बहुत अच्छे थे या दोनों थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना। शेक आ चुका है, एंड अगर आप इसको भी देखो, ये काफ़ी सुंदर है दिखने में। इसके ऊपर इन्होंने खूब सारी आइसक्रीम डाली हुई है, ओरियो है, चॉकलेट ब्राउनी एंड खूब सारा चॉकलेट सॉस है। तो अब मैं ये हमारा जो शेक है उसको ट्राई करती हूँ। ये भी थिक शेक है। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया था और यहाँ पे मैंने ये बटरस्कॉच शेक ऑर्डर किया है। दोनों के फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट हैं एंड प्राइजेस भी काफ़ी डिफरेंट हैं। ये अराउंड 400 का है, वो अराउंड 1400 का था। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों शेक्स में कितना डिफरेंस है। एंड अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ और ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ, दोनों शेक्स बहुत टेस्टी हैं। दोनों का अपना अलग चार्म है, उसमें जैसे उन्होंने लेयर्ड था, उसमें खूब सारी पेस्ट्री थी, इसमें खूब सारी आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस है। एंड आई थिंक कि ये वाला इज़ ऑल्सो गुड फॉर, आई थिंक टू पीपल कैन शेयर दिस आराम से, बिकॉज काफ़ी हैवी है, एंड वो वाला भी दो लोग आराम से शेयर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हैवी था। तो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो, कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी कि मैं एक आइटम को लेकर उसको कंपेयर करना चाहती थी दो जगहों में और दो डिफरेंट प्राइस में, दो डिफरेंट लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियंसिस को, जो दोनों जगह डिफरेंट ऑडियंस को कैटर करती है। लाइक अन्नामाया में इज़ फॉर हाई एंड दिस इज़ लाइक अ सत्यानिकेतन कैफे विच इज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो मुझे ये कंपैरिजन करने में बहुत मज़ा आया। और अगर मैं बात करूँ दोनों शेक्स की, दोनों शेक्स बहुत अच्छे थे, प्राइस दोनों का बहुत अच्छा है, 400 एंड 1400 प्राइस वेरिएशन बहुत है, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी, एंड दोनों का एम्बियंस, दोनों का फील, दोनों की मेकिंग, दोनों का इंजॉयमेंट, एक आप डिफरेंट ऑरा में हो, दोनों का बहुत अपना ही डिफरेंट चार्म है। तो मुझे तो ये चैलेंज करके बहुत मज़ा आया। आप लोग कमेंट्स में बता दो कि आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा और आप कौन सा ट्राई करना चाहोगे। मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लगे। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।